हेलो एवरीवन, आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो मेरे पास में ये फ़ोन है जो कि आप सभी लोग कुछ लोग जानते होंगे, जो कि मेरे पास में आईफोन 6s है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आईफोन जो iOS की तरफ आईफोन की तरफ से आने वाला है, एप्पल की तरफ से iOS 14, वो कब तक आएगा और कौन कौन से फ़ोन में हमको कौन कौन सी डेट को देखने के लिए मिलेगा, इसी पे कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, या फिर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, या फिर आज आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही बगल में लगे बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोज़ अपडेट रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मेरे पास आईफोन 6s है, जो इसका अपडेट आया था तकरीबन अक्टूबर के महीने में आया था 2019 में। तो मैंने इसको अपडेट किया था, ये अभी iOS 13.3 पे चलता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें अभी कोई अपडेट नहीं आया है, तो ये iOS 13.3 पे चलता है, अभी रन करता है। तो मेरे पास में आईफोन 6s है, बहुत सारे लोगों के पास आईफोन 6s प्लस या फिर आईफोन 7, 8X, फिर या फिर 11 प्रो प्रो मैक्स होंगे। तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब अपडेट आएगा, कब अपडेट आएगा। कुछ दिनों पहले टीज़र आया था कि iOS 14 आने वाला है, बहुत सारे मल्टी फंक्शंस के साथ में आएगा, जैसे हमको एंड्रॉयड में देखने के लिए मिलता है, हम लोग डुअल स्क्रीन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि iOS 14 में आपको देखने के लिए मिलते हैं, मिलने वाले हैं, जो कि एंड्रॉयड में आपको देखने के लिए अब तक मिलते थे और iOS में नहीं देखने के लिए मिलते थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं जो हमारे iOS का वर्ज़न के लॉन्च डेट के बारे में। 5 सालों की बात करते हैं, पीछे बीते हुए 5 सालों की। तो पहले बात कर लेते हैं, iOS 9 जब आया था उस दिन था वेडनेसडे 16 सितंबर 2015। और बात करते हैं iOS 10 के लॉन्च की, तो वो आया था ट्यूसडे 13 सितंबर 2016। iOS 11 आया था वेडनेसडे के दिन 20 सितंबर 2017। वहीं iOS 12 की बात करते हैं तो मंडे के दिन आया था 17 सितंबर 2018। और वहीं iOS 13 की बात करते हैं तो थर्सडे का दिन था 19 सितंबर ऑफ 2019। तो ये जो एक पैटर्न है एप्पल की तरफ से, तो ये पैटर्न कुछ ऐसा है कि सितंबर के महीने में ही, सितंबर अक्टूबर के महीने में एप्पल के फ़ोन्स भी लॉन्च होते हैं, और जो उनके अपडेट होते हैं वो भी तकरीबन आई थिंक सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने, सितंबर के महीने में जो अपडेट होता है वो रोल आउट किया जाता है। iOS से कुछ अगर अपडेट होता है तो सितंबर के महीने में नया वर्जन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और आईफोन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आपका फ़ोन अगर 1-2 साल 3 साल आपने चला लिया यार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वो अपडेट पे अपडेट आपको रोल आउट करता रहता है और आप एक नई एक्सपीरियंस की तरह नए सॉफ्टवेयर का, नए अपडेट्स का मज़ा आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं। मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है एप्पल की। और आप बताइए कि आपको एप्पल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। तो बात करते हैं कि ये अपडेट कब तक आने वाला है। तो WWDC लगने वाला था 2020, जो कि जून के महीने में लगने वाला है। आई थिंक ये 8 जून को इस साल लगने वाला है WWDC, जिसमें एप्पल का एक लॉन्च इवेंट होता है। उसमें एप्पल बहुत सारे ऐसे अपडेट्स बताता है, जिसमें वो अपने जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स लेके आता है, या फिर उसके वॉच से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं जो कि लॉन्च होने वाले होते हैं इस साल, फिर आने वाले कुछ दिनों में, तो उसके बारे में कुछ कन्फर्मेशन देता है एप्पल। तो 8 जून को ये लगने वाला है। तो जो बीटा वर्जन्स के बहुत इसमें दिया है कि एक 9 to 5 मैक की रिपोर्ट है, उसमें दिया है कि दिस द फर्स्ट डेवलपर बीटा रिलीज ऑफ iOS 14 विल बी रोल्ड आउट प्रीटी मच स्ट्रेट आफ्टर WWDC 2020। तो ऐसा माना जा रहा है कि WWDC का जब अनाउंसमेंट होगा, उसमें कुछ अनाउंसमेंट किया जाएगा, कुछ बीटा यूजर्स के लिए iOS 14 का जो अपग्रेड होगा या फिर अपडेट होगा उनको दे दिया जाएगा, वो यूज़ करेंगे और अपना यूज़र एक्सपीरियंस बताएंगे, उसके हिसाब से वो रोल आउट किया जाएगा आपके तकरीबन 14 से लेके 18 सितंबर के बीच में ये रोल आउट कर दिया जाएगा सभी यूज़र्स के लिए। जो पहले फ़ोन्स होंगे, मैं आपको बता दूं कौन कौन से फ़ोन में कौन कौन कैसे कैसे आएगा, जो iOS 13 के कंपेटेबल होंगे उसमें आएगा। पहला फ़ोन हो सकता है कि हमारा iPhone 6s हो, जो कि सबसे ज़्यादा कंपेटेबल हो, उसमें उस लिस्ट में सबसे ऊपर iPhone 6s में आएगा आपको 14 से लेकर 18 सितंबर के बीच में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद iPhone 6s प्लस में, उसके बाद iPhone SE एंड iPhone 7 और iPhone 7 प्लस में आएगा आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो होगा फ़ोन वो होगा iPhone 8 और iPhone 8 प्लस, फिर होगा iPhone आपका एक iPhone X होगा, जो कि भी जिसको भी सितंबर के महीने में उसको भी अपडेट देखने के लिए मिलेगा। और वहीं साथ में iPhone XR, XS और iPhone XS Max में भी आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगा, वो भी सितंबर के ही महीने में देखने के लिए मिलेगा। और बात करते हैं जो सबसे लेटेस्ट लॉन्च है आईफोन की तरफ से, जो आईफोन 11, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स हैं, उनको भी सितंबर के महीने में अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन क्या सबको अपडेट देखने के लिए मिलेगा? तो दोस्तों ये कोई
अच्छी ये कोई श्योरली नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए कि मेरे फ़ोन फ़ोन का अपडेट मान लीजिए आज आ गया, उसके बाद मान लीजिए आपके फ़ोन का अपडेट हो सकता है कि जैसे मान लीजिए रोल आउट किया जाता है उसके 2, 4, 10 दिन बाद आता है किसी का अपडेट, मान लीजिए आज रोल आउट किया गया, आज ही अपडेट आ गया आपके फ़ोन में। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि कहते हैं यार भाई मैंने अपडेट तो पाया नहीं यार, 4 महीना हो गया आपने तो अपडेट कर लिया, आप वीडियो बनाते हैं तो आपके फ़ोन में अपडेट। ऐसी बात नहीं है यार, जैसे जैसे रोल आउट किया जाता है, बिल्ड नंबर होता है, सीरियल नंबर्स होते हैं फ़ोन्स के, जैसे जैसे रोल आउट किया जाता है हर फ़ोन्स के लिए, वैसे वैसे वो जो अपडेट्स होते हैं सबको आपके फ़ोन्स में धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखना है कि जो iOS 14 होने वाला है वो जब हम चला के देखेंगे उसका यूज़र एक्सपीरियंस, और जब हमारे हाथ में आएगा iOS 14 वाला हमारा यही iPhone 6s, तो देखते हैं कि कैसा चलता है और क्या क्या हमको कुछ नया देखने के लिए मिलता है मल्टी फंक्शनल विंडोज़ के साथ में स्वाइप पर। हमको लग रहा है कि और जो जो भी डेट हम और जो भी हमको देखने के लिए मिल सकता है वो देखते हैं। और जो ये इसका ट्रायल वर्जन होगा या फिर जो इसका वर्जन एक बीटा वर्जन अपग्रेड किया जाएगा वो 8 जून से लेके 29 जून तक रोल आउट कर दिया जाएगा। जितने भी बीटा यूज़र्स होंगे उनके लिए ये होगा, 8 जून से लेके 29 जून तक उनको रोल आउट कर दिया जाएगा, जो कि एक समझ लीजिए कि ट्रायल वर्जन वो किया जाएगा। और साथ ही जो उसके बाद मान लीजिए एप्पल के सारे डिवाइसेस में आने के बाद iOS के जो अपडेट होगा वो आईपैड में भी आ जाएगा और साथ ही मैक OS में भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो आप सितंबर का वेट करिए, लेकिन सितंबर से पहले आई थिंक लॉन्च नहीं होगा iOS 14, तो सितंबर का वेट आपको करना ही पड़ेगा। मैंने आपको डेट कंफर्म कर दी कि कब ये लॉन्च होने वाला है, कौन कौन से फ़ोन में आपको कब कब देखने के लिए मिलेगा। मेरे पास तो iPhone 6s है, अगर आपके पास iPhone 6s है और आप एक वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करिए कि वो फ़ोन कैसा चलता है और कैसा बैटरी बैकअप है और कैसा आपका यूज़र एक्सपीरियंस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, iOS 14 से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कब लॉन्च होने वाला है और कब आपको मिलेगा। तो वीडियो को अगर लाइक पसंद आया तो लाइक करके जाइए, और अगर आपको कोई कमेंट या सुझाव दोस्तों तो हमको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ध्यान से बताइए। और आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको अब पता ही है क्या करना है। तो चलिए मिलूंगा आपसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए दोस्तों कीप स्माइलिंग ऑलवेज, जय हिंद, वंदे मातरम।